नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 640 DSP मॉडल मशीन का आप एक नया अवतार देख रहे हैं 2024 में। तो देखिए, पहले के DSP में आपको ऊपर का जो हॉपर होता था वो आपको चौकोर मिलता था। अभी जो नया DSP आ रहा है, डिस्क टूनर वाइब्रेटर मॉडल मिनी राइस मिल, उसमें आपको जो ऊपर का हॉपर है वो गोल मिलेगा। इसमें टोटल दो हॉपर मिल जाते हैं और साथ ही साथ मशीन की पूरी स्पेसिफिकेशन हम इस वीडियो में जानते हैं और साथ ही साथ इसका प्रोसेसिंग भी समझते हैं कि कैसे यह काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर में एक हॉपर होता है जिसमें धान डालते हैं और यहाँ पे इसमें एक अटैचमेंट आता है जिसको आप पहले ही, अगर आपने हमारा पुराना DSP मॉडल मशीन देखा हो तो ज़रूर आपको पता होगा, ये कंकड़ पत्थर को साफ करने का अटैचमेंट होता है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं जाली बना हुआ है। इस जाली में जो भी धान के जो डस्ट रहते हैं, कंकड़ पत्थर रहते हैं, वो इस रास्ते से बाहर चले जाते हैं और जो फ्रेश धान होता है इस हॉपर में आता है। और यहाँ पे देखिए, ये पॉलिशर होता है, 640 मॉडल की ये मशीन है, तो इसमें आपको गोल पॉलिशर मिल जाता है और ये पट्टी होता है। तो जैसे इसमें धान आएगा तो उससे पहले आपको इसको बंद करके रखना है। इसको बंद करके रखेंगे तो यहाँ से जो है धान है सीधा इसके हलर में नहीं जाएगा और मशीन जो है जाम होने से बच जाएगा। इसके अंदर में रोलर और जाली लगता है। इसमें आप अलग अलग तीन साइज का जाली उपयोग में ला सकते हैं, 0.7 mm, 1 mm, 1.35 mm, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें जाली उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे एक रोलर लगा होता है जो कि डिश टूनर इस वाइब्रेटर को वाइब्रेट कराता है जिससे कंकड़ पत्थर अलग होता है। तो आगे वीडियो में हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें पॉलिशिंग हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पॉलिशर होता है, यहाँ से इसके मदद से, स्विच की मदद से हम इसको टाइट कर सकते हैं, एक जगह पे स्थायी रूप से रख सकते हैं। तो इस पॉलिशर की मदद से आप मनचाहा चावल निकाल सकते हैं, जिस क्वालिटी की आपको चावल चाहिए उस क्वालिटी का आप चावल निकाल सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं। और इस 640 DSP मॉडल में देखिए, यहाँ पे एक वाइब्रेटर अटैचमेंट लगा होता है, ये जाली होता है, तो इस वाइब्रेटर की मदद से आप चावल की ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें तीन अलग अलग आउटलेट बने होते हैं, ये पहला आउटलेट है, ये दूसरा आउटलेट है और एक छोटा आउटलेट और बना होता है दोस्तों यहाँ से, ये कनकी के लिए होता है। तो देखिए, इस वाइब्रेटर में यहाँ पे जाली बना हुआ है, तो बिल्कुल जो साबुत चावल होगा, जो बिल्कुल जो टूटा नहीं होगा, जो फ्रेश चावल होगा, वो यहाँ से बाहर आएगा पहले वाले आउटलेट से, और जो मीडियम टूटे हुए होंगे, हल्के टूटे हुए होंगे, वो इस जाली के नीचे चला जाएगा छन के और दूसरे वाले आउटलेट से बाहर आएगा। और जो किनकी होता है, तो कनकी जो है दोनों जाली से छन के, क्योंकि वो छोटी होती है, यहाँ से इस वाले आउटलेट से बाहर चली जाएगी। और यह जो मशीन है दोस्तों, हैवीटेक के 3 HP 100% कॉपर वाइंडिंग मोटर के साथ आती है, जिसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मोटर डुअल हीट थर्मल टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिससे जब भी मोटर ओवर हीट होगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जिससे आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा, मोटर में जलने की समस्या नहीं होगी। और हैवीटेक की मशीन की एक पहचान भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लेजर कट में हैवीटेक लिखा हुआ है, जो कि ट्रस्टेड ब्रांड है भारत में। तो आप जब भी मशीन ले, हैवीटेक की मशीन के ऊपर देखिए लेजर कट में हैवीटेक लिखा है या नहीं। तो यहाँ पे लेजर कट में हैवीटेक लिखा है, मतलब बिल्कुल आप बेझिझक मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे एक गाले का मोटर पुली लगा हुआ है, तो यहाँ से पावर इस वाले पुली में जाता है, इससे इसमें जाता है, इसी प्रकार से पूरे सारे जो इसमें पुली जो बेल्ट अटैचमेंट है वो लगे हुए हैं और एक दूसरे की मदद से मशीन जो है काफी अच्छे से स्मूथली रन होती है। और यहाँ पे जो इसके वाइब्रेटिंग वाले अटैचमेंट है, ये इसमें भी रोलर लगा होता है, यहाँ पे देखिए ये जो अटैचमेंट होता है अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो अटैचमेंट होता है दोस्तों, इस अटैचमेंट की मदद से ही ये वाला जो वाइब्रेटर है वाइब्रेट होता है, जिससे आप चावल की ग्रेडिंग कर सकते हैं। सेम अटैचमेंट इसमें भी लगा है डिश टूनर में, जिससे कंकड़ पत्थर को आप वाइब्रेशन की मदद से बाहर कर सकते हैं। और इस मशीन का अगर मैं प्रोडक्शन क्षमता की बात करूँ, तो इसमें आप 1 घंटे में 150 से 200 किलो चावल निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आप एक ही बार में चावल निकाल सकते हैं, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, और पॉलिश भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये क्या है, देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का आउटलेट बना हुआ है, इससे भूसी, यहाँ से भूसी बाहर होता है, तो भूसी बिल्कुल फ्रेश बाहर हो जाता है, भूसी में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से चावल नहीं आता है। तो इस प्रकार से चावल जो है यहाँ से बाहर हो जाता है, चावल में भूसी बिल्कुल नहीं आता है, और भूसी यहाँ से बाहर हो जाता है, और भूसी में चावल भी नहीं आता है। इसकी एक्यूरेसी शुद्धता बहुत इतनी अच्छी है कि एक ही बार में चावल निकाल देती है और भूसी को अलग कर देती है। तो इस वीडियो में हमने मशीन के बारे में सारी डिटेल तो जान लिया है, अब मशीन का डेमो भी देख लेते हैं, जिससे पता चल जाए कि मशीन की क्षमता कितनी है।
तो इस मशीन की अगर सबसे बड़ी खासियत की बात करूं तो इसके दो अटैचमेंट है, ये वाइब्रेटर है, ये डिश टूनर है। दोनों जो अटैचमेंट होते हैं वो बड़े बड़े मशीनों में आते हैं, तो ऐसे में छोटे किसान के सामने बिजनेस का मौका बन नहीं पाता है। तो ऐसे में हैवीटेक छोटे किसानों को भी ध्यान में रखता है और अपनी DSP मिनी राइस मिल मशीन के माध्यम से वो भी बिजनेस कर सकते हैं। इसमें सारे अटैचमेंट भी मिल जाते हैं और बजट भी कम है, तो छोटे किसान आसानी से इस मशीन को लेके अपना राइस मिल का बिजनेस गाँव शहर से शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब सवाल यह है मशीन को कैसे किसान भाई मंगा सकते हैं, तो मशीन को मंगाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए, मशीन के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद आप मशीन का ऑर्डर करें और साथ ही साथ अगर आपको मशीन मंगानी है तो आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भारत के कोने कोने तक मशीन को मंगा सकते हैं और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से मशीन को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते किसी नए वीडियो में नए मशीन के इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और नए नए मशीन के बारे में जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें।